कृष्णा जी, जॉन है, एक बार ट्राई तो करो, अगर मैनेज कर सको तो। बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरा रीजन इम्पोर्टेंट नहीं है? बच्चों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन अटेंड करने के लिए मैं इतना बड़ा बिजनेस मीटिंग छोड़ दूं जिससे लाखों का फायदा हो सकता है? बात करे जी, कुछ भी बोलती हो तुम। पापा हम रेडी हो गए। मेरा बेटा लोग रेडी हो गया है। तुम दोनों तो सचमुच के चूहे बिल्ली लग रहे हो। सुनो, स्टेज पे बिल्कुल नर्वस नहीं होना, एकदम कॉन्फिडेंस, ठीक है, सब कुछ। और एक काम करना, मम्मी से बोल के ना तुम दोनों को एक फोटो भिजवा देना मुझे। पापा, आप हमारे साथ स्कूल नहीं आ रहे हो? सॉरी बेटा, एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, अर्जेंट है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगली बार पक्का, ठीक है, प्रॉमिस। टेक केयर बेटा, बाय। राजीव और मेरी दोनों की नजरों में वक्त बहुत कीमती है। फर्क बस इतना है कि वो वक्त की कीमत पैसों से तोलते हैं और मैं छोटी छोटी खुशियों से। बच्चों को बहलाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हूँ मैं, लेकिन खुद को बहलाने का अब तक कोई बहाना नहीं मिला मुझे। घर के बाकी सारे काम निपटाने में पूरा दिन बिता देने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि कोई बस हाथ भर ही पकड़ ले। क्या कर रही हो? सो जाओ, तीन प्रेजेंटेशन और बनाने मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी। भाभी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अभी सबको तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अरे भाभी, गलती से हाथ फंस गया था। आप तो इतने पुराने ग्राहक, मैं ऐसा कर सकता क्या? जब औरत के अकेलेपन की खबर बाहर निकलती है तो अकेलेपन के सिवा और भी बहुत कुछ होता है जिसका सामना उसे करना होता है, वो भी अकेले। क्या है? चलो। अकेली औरत समाज में मर्दों के लिए लॉटरी के उस सस्ते टिकट की तरह होती है जिसके ना निकलने का किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो निकल जाए तो बस मजे ही मजे। इसलिए हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। रिलैक्स, हाथों को सीधा रखिए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए एंड फील। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? तो ये सब करने आती हैं आप यहाँ? आपका पति आप पर ध्यान नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी पर भी टूट पड़े। चली जाइए यहाँ से, गेट आउट। लोग यहां पर मन की शांति लेने आते हैं और तुम्हें देखो, पति से इच्छाएं पूरी नहीं होती इसलिए मुझे लुभा रही हो। चले जाओ यहां से, जाओ यहां से। इतनी सारी लेडीज जाती है वहां, इतने सालों से चल रहा हुआ सेंटर, आज तक कभी कुछ सुना नहीं। तुम्हारे साथ ही क्यों करेगा वैसा वो? पर मने तो लगे चित तुमने इशारा किया होगा, वैसे भी मुझसे घर से तुम उब चुकी हो ना। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? अरे क्या गलत कह रहा हूँ मैं? सारे दिन तो बोलती रहती हो तुम कि मैं उब चुकी हूँ, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, मैं पिक्चर नहीं ले जाते, पर ये सब तो बहाना है। तुम्हें ना बाहर के लोगों पे इंटरेस्ट आ गया बस। सच बोल रहा हूँ ना मैं? अब मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो, बोलो। तुमने सब कुछ बोल दिया ना, तो मैं क्या बोलूं? इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के इस आधुनिक युग में महिलाओं और पुरुषों को बराबर की नजर से देखा जाने लगा है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि महिलाओं के प्रति मर्दों की सोच में बदलाव की काफी गुंजाइश
अब भी बाकी है। आज एक पुरुष को अपने ऑफिस में अपनी महिला बॉस का आदेश मानने में उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन अपने घर में अपनी बीवी को अपने बराबर का दर्जा देना अब भी उसे गवारा नहीं है। क्या जलपा का अपने पति राजीव से अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय मांगना गलत था, या राजीव की आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा गलत थी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब जल्द से जल्द ढूंढा जाना बहुत जरूरी था। इस पति पत्नी के रिश्ते में एक ऐसा लावा उबल रहा था जो शायद कभी भी फट सकता था। सर, लगता है बच्चों को पानी में डुबोकर इसने खुदकुशी कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? साहब, सबसे पहले मैंने देखा था। जब मैं अंदर आई तो देखा है, फिर मैंने पास वाले मेहता जी को जाके सब कुछ बताई। साहब जी, मैं हसमुख मेहता और ये मेरा बेटा प्रवीण, ये यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन देता है। जब सवेरे कमला ने मुझे बताया तो मैंने सबसे पहले इनके पति राजीव भाई को फोन किया और फिर बाद में आपको। इनके पति कहाँ हैं? वो अभी सूरत गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। मैंने फोन किया तो वहाँ से निकल गए, बस यहाँ पहुँचते ही होंगे। पर मारे काम करो, आस पड़ोस के लोगों से पूछ के देखो, शायद किसी को कुछ मालूम है। सर तुम मेरे साथ। सूरत के लिए निकलते वक्त एक छोटा सा झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी कि इतना बड़ा कदम उठा बैठे। पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने, अरे छोकरे वाले पर साथी ले गई। सर बहुत अच्छी औरत थी, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी। क्या आप भी राजीव के साथ सूरत गए? इसके बारे में आपको पता कब चला? दूसरे दिन सुबह मेहता साहब का फोन आया था, सुनकर यकीन नहीं हुआ मुझे तो। मेरी जलपा बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी, पढ़ी लिखी थी। राजीव ने उसे संभाला होता तो। राजीव हमेशा काम में बिजी रहते थे, जलपा के लिए उनके पास जरा भी टाइम नहीं था। मेरी बेटी जलपा बहुत अकेली थी साहब। और कोई खास बात, जैसे उन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या बाहर कुछ हुआ हो? हाँ, यहाँ पे एक योगा सेंटर है, जलपा भी वहाँ पे आती थी। अरे थोड़ा दिवस पहला। सर सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज। तूने कुछ नहीं किया तो बाकी लोग तेरे और जलपा के झगड़े के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर, उस दिन के बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे। उसी शाम उसके पति ने मेरी कंप्लेंट कर दी थी और मैं वहां से निकाल दिया गया था सर। मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर छोड़ के बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। पहली नजर में देखने पर यह पूरा मामला आत्महत्या का लगा था। पुलिस को लग रहा था कि शायद राजीव के साथ हुए झगड़े या किसी बाहरी व्यक्ति की किसी बात या घटना से दुखी होकर जलपा ने पहले अपने बच्चों को मार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस अब तक इस केस को एक आत्महत्या का केस मानकर अपनी तहकीकात कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबकी सोच और इस केस की पूरी दिशा को बदल कर रख दिया। क्या ये क्या कह रहे हैं सर आप? जलपा ने सुसाइड नहीं किया, उसका खून हुआ है। जलपा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले जलपा जी को उन्हीं के दुपट्टे से गला घोट के मारा गया और बाद में उसी दुपट्टे का फंदा बना के उन्हें पंखे से लटका दिया गया ताकि ये सुसाइड लगे, मर्डर नहीं। और दुख की बात ये है कि आपके बच्चों को भी किसी और ने मारा है, जलपा ने नहीं। हाँ, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि जलपा जी के मरने से पहले मारा या जलपा जी के मरने के बाद। इसलिए मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आपको किसी पर शक है, किसी ने आप लोगों को धमकी दी हो, कोई आपसी रंजिश? ऐसी तो कोई बात नहीं सर, कोई नहीं है। देखिए, जलपा जी के रूम से उनके फोन के अलावा और कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये लूट के मतलब से किया हुआ कत्ल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें, कुछ भी ऐसी बात आपको याद आए, किसी पे शक हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिएगा।
सर हाँ सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। राजीव और नट्टू मर्डर के समय सूरत में थे। सर जलपा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा प्रीपेड नंबर है जिससे वो लगभग हर रोज लंबी समय तक बात किया करती थी, कभी कभी रात रात भर भी। सर ये नंबर 6 महीने पहले एक्टिवेट हुआ है, पर अजीब बात यह है कि यह नंबर जलपा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। सर इशू होने के बाद से लेकर जलपा के मर्डर तक यह नंबर जलपा के एरिया में ही एक्टिव था, पर सर जलपा के मर्डर के बाद जैसे जलपा का नंबर स्विच ऑफ हुआ यह नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। यानी कि जो भी यह नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो जलपा का कोई बहुत करीबी था जिसे जलपा ने खुद यह नंबर लेके दिया, और कत्ल के वक्त वो जलपा के आसपास ही था। इसका एक ही मतलब निकलता है परमार, या तो इसी आदमी ने जलपा को मारा है या फिर यह जलपा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानता है। एक काम करो, जलपा की मां और राजीव दोनों को बुलाओ। सर आप ही समझाइए मुझे, ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर राजीव कि आपकी पत्नी पिछले 6 महीनों से रात में घंटों किसी से बातें करती थी लेकिन उस शख्स के बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि वो आदमी था या औरत। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए महीने में आधे से ज़्यादा दिन तो मैं टूर पर रहता था, और ये भी मेरे लिए शॉकिंग बात है कि जलपा की इतनी बातें किसी के साथ होती थी। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कि... साहब वो रति का नंबर हो सकता है। रति? रति कौन है? जलपा की सहेली थी, 6 महीने पहले ही वो दोनों एक दूसरे की सहेलियां बनी थी, उसकी वजह से जलपा भी खुश रहने लगी थी। जब भी राजीव टूर पे जाते थे जलपा अपने दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ती थी, और वो दोनों सहेलियां कभी घूमने या तो कभी पिक्चर देखने जाती थी। ये रति करती क्या है और रहती कहाँ है? जी ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। हाँ जलपा ने ही ये नाम बताया था, वो कभी हमारे घर पर भी नहीं आई, जलपा ही उसे मिलने बाहर जाती थी। और आप? आपने भी रति को कभी नहीं देखा? हाँ अब याद आया सर, जलपा ने मुझे भी बताया था उसके बारे में कि उसकी एक सहेली बनी है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं, और मैंने भी पूछा नहीं तो ठीक से मुझे भी याद नहीं आ रहा था। ये प्रीपेड नंबर 6 महीने पहले इशू करवाया गया था, और कमाल की बात यह है कि रति भी जलपा की लाइफ में 6 महीने पहले ही आई थी। परमार जरा पता लगाओ कि इस नंबर से जलपा से जो बात करता था वो रति ही थी या जलपा ने यह नंबर किसी और को दिया था। सर जहाँ सुधी मने याद छे जलपा की कोई सहेली को आते जाते देखा नहीं मैंने। जलपा जी के बच्चों को तुम ही ट्यूशन देते थे ना? जी। अच्छा उनके घर में कभी किसी रति नाम की औरत को देखा है या उसका जिक्र हुआ हो तुम्हारे सामने? नो सर, ऐसा तो कोई मुझे याद नहीं। देखिए मैम, इस केस को सॉल्व करने के लिए रति का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ नाम बता देने से उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर सोचें, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा वाकया शायद आपको याद आ जाए जहां आपने इस लड़की की शक्ल देखी हो। हाँ याद आया, 15 मार्च के दिन जलपा काफी परेशान थी, वो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और रो भी रही थी। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, प्लीज मेरी बात तो सुनो। जब वो इतना रो रही थी तो आपने उससे पूछा नहीं कि किससे बात करके इतना रो रही है? मैंने उससे बाद में पूछा भी था। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सहेली रति है ना उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो। मगर उस बात को उसने टाल दिया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हैं कि उस दिन 15 मार्च ही था? उस दिन मेरा जन्मदिन था और जलपा मुझे मिलने मेरे घर पर आई थी। अच्छा मैम थोड़ा और सोच के बताइए कि आपको जरा सा भी अंदाजा है कि उस समय टाइम क्या हुआ होगा? करीब 5 या 5:30 बजे होंगे। परमार जरा चेक करो 5 से 6 के बीच में क्या एक्टिविटी हुई है। सर जी सर, 15 मार्च शाम 5:20 से 6 बजे तक जलपा उसी प्रीपेड नंबर से बात कर रही है, पर कोई कॉल नहीं। थैंक यू वेरी मच मैम, आप जा सकती हैं। परमार ये रति नाम की पहेली उलझती चली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम ही से कुछ छूट रहा है या फिर कोई हमसे कुछ छुपा रहा है। हेलो, हाँ बोलो, नाम क्या है रेस्टोरेंट का? हाँ ओके सर, मोबाइल कंपनी से क्लू मिला,
जलपा को अपने उस प्रीपेड नंबर पर एक प्रमोशनल एक्टिविटी में कैंडल लाइट डिनर के कपल पासेस मिले और उसने वो कलेक्ट भी किया। सर ये पास यूज हुआ था मगर किसने यूज किया ये बता पाना मुश्किल है। मोबाइल कंपनी ने अपने विनर्स के लिए कुछ पास इशू किए थे, हमने इन्हें चेक करके एंट्री तो दे दी लेकिन किसी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। एक काम करिए मुझे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। हाँ थोड़ा आगे फॉरवर्ड करिए। स्टॉप 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 यहाँ से प्ले करो। थोड़ा आगे फॉरवर्ड करिए। चलो कम से कम एक जरूरी बात तो पता चली कि जलपा की लाइफ में 6 महीने पहले जो नया दोस्त आया था वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था। ओके ठीक है सर, डिनर वाली रात की उस मोबाइल नंबर की लोकेशन मिल गई। जलपा के नंबर की लोकेशन और उस नंबर की लोकेशन सेम है, यही रेस्टोरेंट। अब सब समझ में आ रहा है परमार, जलपा इस आदमी से 6 महीने पहले मिली और जलपा ने अपने नाम से एक प्रीपेड नंबर इशू करा के इस आदमी को दिया ताकि इससे बात बात कर सके और घर वालों के सामने पकड़ी ना जाए। इसीलिए जलपा ने घर में सभी को यही कहा कि उसकी नई दोस्त एक लड़की है रति नाम। पर मारे काम करो, मुझे इस जलपा और राजीव इन दोनों की पूरी कुंडली चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों में से किसी का कोई भी पुराना चक्कर या अफेयर अगर हो तो बाहर निकालो। ट्रिपल मर्डर का ये उलझा हुआ केस और उलझता जा रहा था। पुलिस अब तक रति नाम की जिस महिला को ढूंढ रही थी असल में वो महिला नहीं बल्कि पुरुष निकला। जलपा के उस प्रीपेड सिम की गुत्थी अब तक अनसुलझी थी जिसे जलपा ने खुद अपने नाम पर लेकर किसी और को दे दिया था। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा जो अब तक के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। सर अरे बताइए तो मुझे क्यों लेके जा रहे हैं आप लोग? सब बताऊंगा जल्दी। ऐसा आखिर हुआ क्या है सर? सब बताऊंगा सब क्या हुआ? चलो सर ये आखिर बताइए तो सही हमने किया क्या है? मेरी बीवी बच्चों का कत्ल हुआ। ड्रामा नहीं मत कर मेरे सामने, ड्रामा बंद कर और चुपचाप कबूल कर कि तूने अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को मार दिया। क्या कह रहे हैं सर आप? किस किस बिना पर कह रहे हैं सर? किस बिना पर? मैं दिखाता हूं किस बिना पर। किस बिना पर? अपने आप को बहुत शातिर समझता है तू? हाँ तुझे क्या लगा था कि तू चुपचाप निकल जाएगा और तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा? पहले बहुत ही शातिर तरीके से अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद एटीएम गए वहां शाम से पैसे निकाले और लौट गए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, चुपचाप अपना जुर्म कबूल करता है या तेरी और खातिरदारी करूं? मैं मानता हूं सर कि मैं उस रात सूरत से बड़ौदा वापस आया था लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो जलपा की लाश पंखे से लटक रही थी। पर अपनी पत्नी को और बच्चे को मैं क्यों मारूंगा सर? मैं बताता हूं तू अपनी पत्नी और बच्चे को क्यों मारेगा, क्योंकि तू ये बात जान चुका था कि तेरी पत्नी के जीवन में जो नया दोस्त आया है वो कोई रति नाम की औरत नहीं थी बल्कि एक मर्द था। ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए तुमने बेदर्दी से अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को मार दिया। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं अपने परिवार को अपने हाथों से क्यों मारूंगा सर? आप मेरा यकीन कीजिए सर। लेकिन हाँ सर मुझे एक बात का पता चल गया था सर, जलपा का अफेयर था समीर के साथ। क्या समीर? हाँ सर समीर, कॉलेज की दोनों से लवर था उसका, ट्रांसफर होकर अहमदाबाद से बड़ौदा आया था। जलपा ने मिलाया भी था उससे मुझे, घर भी आता जाता था। एक दिन जब मैं टूर से लौटा तो मैंने देखा। पापा। अरे बेटा पढ़ाई कर रही हो? आ जा। अरे संजू यहाँ सो रहा है सोफे पे, क्यों मम्मी क्या? मम्मी ऊपर है समीर अंकल के साथ। हाँ समीर अंकल के साथ ऊपर है। एक मिनट बेटा तुम पढ़ाई करो, पापा भी है।
लव यू जल्पा। उस वक्त बच्चों की वजह से चुप रह गया मैं, लेकिन बाद में जब उससे बात करने की कोशिश की तब भी उसने अपनी गलती मानने के बजाय मुझे ही दोषी ठहराया। जब भी टूर के लिए मैं बाहर जाता तो वो बच्चों को अपनी मम्मी के घर छोड़कर समीर से मिलने चली जाती। अगर वो घर होती तो समीर आ जाता उससे मिलने। ये सब बातें मुझे बच्चों से पता चलता। कई बार अचानक टूर से वापस लौटा मैं ताकि रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ सकूं, लेकिन होशियार हो गए थे तुम। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब तुम्हारी पत्नी जलपा ने समीर के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुमने उसे मारने का फैसला कर लिया, और इस घिनौने काम में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे इस अकाउंटेंट नट्टू ने। नहीं साहब नहीं, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। उस दिन सूरत में पता चला था पहली बार। राजीव भाई मार्केट से थोड़ा जल्दी लौट गए थे होटल को, और मैं सारा काम पटा के रात में होटल पहुंचा तो देखा कि अरे राजीव भाई आपने तो बहुत पी रखी है। बोलो मने क्या हुआ? जलपा नट्टू का जलपा धोखा दे रही मुझे। चक्कर चल रहा है उसके एक आदमी के साथ, अभी भी उसके साथ, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही है। शू को जो राजीव भाई, मैं अभी बड़ोड़ा जाकर दोनों को खत्म करके आता हूँ। राजीव भाई अभी आप नशे में हैं। बात बिगड़ जाएगी राजीव भाई, रात बहुत हो चुकी है। धोखा दे रही हूँ। हाँ कल सुबह जाएंगे। आप सो जाइए, आप सो जाइए राजीव भाई, सो जाइए, आप सो जाइए। हाँ, और इसीलिए कत्ल के वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन बड़ोड़ा की बजाय सूरत दिखा रही थी, राइट? सर नशे की वजह से होश नहीं था मुझे। भूत चढ़ गया था मेरे दिमाग में कि जलपा और समीर एक साथ होंगे, और मुझे बड़ोड़ा जाकर उन दोनों को मार डालना है। इसलिए नट्टू काका के जाने के थोड़ी देर बाद मैं होटल से निकला, टैक्सी पकड़कर बड़ोड़ा। नशे की धुत में जलपा को मारने का फैसला करके आया था, लेकिन जलपा की लाश सामने देखने के बाद अरे होश नशा दोनों उड़ गए सर। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मैं वहाँ से भागा, सूरत आ गया। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं अपने परिवार को क्यों मारूंगा सर? आखिर मैं अपने बच्चों को क्यों मारूंगा सर? सर मुझे लगता है राजीव कहानी बना रहा है। हो सकता है, फिर भी इसकी इस कहानी को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ये बात बोलो कि जलपा के कत्ल के वक्त उसके प्रीपेड नंबर की लोकेशन उसी के घर के पास मिली है, यानी कि जिस किसी के पास भी वो नंबर था वो या तो जलपा के साथ था या उसी के घर के आसपास कहीं मौजूद था। और अगर वो समीर है तो राजीव की यही बनाई हुई कहानी सच हो जाएगी कि तीनों के तीनों खून समीर ने किए हैं। लेकिन अभी इस पर हाथ डाला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। परमार एक काम करो, मुझे इस समीर की पूरी कुंडली चाहिए, इसके सारे के सारे रिकॉर्ड निकालो और मेरे पास रिपोर्ट लेके आओ। सर ये समीर अहमदाबाद से मैरिड है, एक बच्चा है। समीर और जलपा का FIR था कॉलेज में। सर जलपा ने जो प्रीपेड नंबर लिया है वो समीर के लिए नहीं लिया। रेस्टोरेंट की रात समीर जलपा के साथ नहीं था, वो अपने फैमिली के साथ अहमदाबाद में था। लेकिन सर मर्डर की रात समीर की मोबाइल की लोकेशन जलपा के घर के पास ही थी। उठा के लाओ सर। जी जी बोलिए। समीर। हाँ मैं ही हूँ समीर। ले चलो इसे। कुछ तो सर, सर कुछ, सर कुछ तो बताइए सर, मैं क्या क्या है? नहीं 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 सर, ये बात बिल्कुल भी झूठ है। मैं और जलपा सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा हमारे बीच में और कुछ भी नहीं था सर। लेकिन राजीव का कहना है कि उसने तुम दोनों को बेडरूम से निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उस दिन मैं जलपा को उसके घर उसे मिलने गया, उसे बेडरूम में भी लेके गया, उसे फिर से प्रपोज भी किया था। हमारे बीच जो कुछ भी था वो पास था, लेकिन अब तुम भी शादीशुदा हो। लेकिन जलपा तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हारे और राजीव के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ कहा था, लेकिन सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह, इसलिए नहीं कहा कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद है। समीर तुम्हारा एक अच्छा हंसता खेलता परिवार है, तुम इस दो पल की खुशी के लिए उसे दांव पे क्यों लगाना चाहते हो? तुम नहीं जानते कि एक परिवार के टूटने का दर्द क्या होता है।
जलपा हूँ तने बहुत प्रेम करूँ छू। मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को भी छोड़ दूंगा जलपा। आई लव यू जलपा। अगर ऐसा है तो जिस वक्त जलपा का कत्ल हुआ उस समय तुम्हारे फोन की लोकेशन जलपा के घर की क्यों आ रही है? सर मैं उस रात जलपा के घर गया था लेकिन जलपा ने खुद उस रात मुझे कॉल किया था लेकिन मैंने उसका कॉल मिस कर दिया। उसके आधे घंटे बाद जब मैंने अपना फोन देखा तो मैंने उसे कॉल पे किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जलपा कभी भी मुझे इतनी रात को फोन नहीं करती। मुझे लगा वो डेफिनेटली कोई परेशानी में, इसलिए वो देखने के लिए मैं उसके घर गया था। जलपा, मैं बहुत ही डर गया। मैं कोई और परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। जलपा ऑलरेडी मर चुकी थी इसलिए पुलिस को कांटेक्ट करने की वजह मैं खामोश रहा सर। क्या जलपा को कभी किसी और के साथ देखा था या कभी किसी के बारे में जिक्र किया उसने या जलपा से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात जो तुम्हें अजीब लगी हो? एक बात है सर, पिछले महीने मैं और जलपा कॉफी के लिए मिले थे। जलपा वॉशरूम के लिए गई थी तब उसके फोन पर बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। यू आंटी, अगर तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा ना तो आई विल डिस्ट्रॉय यू। यू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, किससे बात करनी है आपको? हेलो, क्या हुआ? किसी का फोन आया था? I'm sorry, फोन बार बार बज रहा था तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट होगा तो मैंने फोन उठा लिया। कोई छोकरी नो फोन होता, पता नहीं बहुत गुस्से में थी और कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। बोल रही थी कि मैं जानती हूँ तुम्हारा अफेयर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ है, उसका पीछा छोड़ दो। कौन थी? जवाब दो, नहीं कोई रॉन्ग नंबर होगा। सर मैंने उसकी बात मान भी ली लेकिन उसके बाद मुझे जलपा कुछ परेशान सी लगी सर। किस दिन की बात है? पिछले महीने की पहली तारीख थी सर, क्योंकि उसी दिन मुझे सैलरी मिलती है तो ऐसे ही ट्रीट देने के लिए मैंने जलपा को बुला लिया। ऑफिस के बाद मिले थे सर हम, तो शायद पाँच साढ़े पाँच की बात है सर। ये केस एक ऐसी पहेली बनता जा रहा था जिसे सुलझाने की हर कोशिश इसे और उलझाती जा रही थी। पहले रति, फिर खुद जलपा का पति राजीव और उसके बाद उसका करीबी दोस्त समीर, वो सभी लोग शक के घेरे में आ चुके थे जिनका जलपा के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता था। और अब इस कड़ी में एक और इंसान जुड़ गया था, ये अनजान लड़की जिसका जलपा के साथ सीधा सीधा कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा था लेकिन इसने जलपा को फोन करके धमकी दी थी। सर, जिस लड़की ने जलपा को फोन किया था उसने एक जनरल स्टोर में लगे पीसीओ से फोन किया था। लकीली उस स्टोर में सीसीटीवी कैमरा था जिसकी फुटेज में हमें वो लड़की मिल गई है। स्टोर के ओनर ने भी उस लड़की को पहचान लिया, पास ही की बिल्डिंग में पीजी में रहती है। पिछले महीने की 1 तारीख को शाम 5 बजे तुमने पीसीओ से जलपा शाह नाम की एक औरत को धमकी भरा फोन किया था, क्यों? अभी सिर्फ 2 महीना हुआ है मुझे गांधीनगर से यहाँ शिफ्ट हुए। कोचिंग के कुछ फ्रेंड्स के अलावा मैं किसी को जानती ही नहीं, तो कॉल कैसे करूंगी? हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की, तुम्हारे पहले और तुम्हारे बाद वहाँ पे किसी भी लड़की ने फोन नहीं किया। अब बताओ। 1 महीना हो गया है इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आई एम श्योर मैंने किसी फ्रेंड को कॉल किया होगा। तुमने कहा कि यहाँ तुम 2 महीने पहले आई थी, क्यों? कोचिंग, पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। जी हाँ, कोचिंग ज्वाइन करनी थी इसीलिए यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। व्हाट? प्रवीण? जी मैं हसमुख मेहता और ये मेरा बेटा प्रवीण, ये यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन्स देता है। मिस्टर मेहता का बेटा, वही जो जलपा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था? यस सर। और सर ये रहे आंशी के कॉल रिकॉर्ड्स, इससे साफ पता चलता है कि बड़ौदा में उसका सिर्फ एक कॉन्टैक्ट था, उसका लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड प्रवीण। आंशी ने जिस बॉयफ्रेंड से जलपा को दूर रहने के लिए कहा था वो हो ना हो ये प्रवीण ही है। सर ये प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स, इसकी मोबाइल की लोकेशन और जलपा ने लिए हुए प्रीपेड नंबर की मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्टली सेम रही है। और जिस रात जलपा का मर्डर हुआ उसकी मोबाइल की लोकेशन जलपा के घर के आसपास ही थी। बोल, आ, 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 सर, बोल। बताता हूँ सर, उनके बच्चों संजू और मिली को पढ़ाने जाता था उनके घर।
किस चीज की कमी है हमारे पास राजीव? बड़ा घर है, गाड़ी है, फिर क्यों भागते रहते हो तुम दिन रात? मुझे और आगे जाना है, बिजनेस वर्ल्ड में अपना स्टेटस बनाना है, समझी? मैंने उन्हें देख लिया था कि वो अकेली हैं, उन्हें किसी की जरूरत थी सर, तो मुझे लगा कि उनकी जरूरतें पूरी करकर मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूं, तो मैंने उनके करीब जाने की कोशिशें की। आपके पर्सनल मैटर में बोलने का हक तो नहीं है मुझे, पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब आप रोती हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? नहीं पता। मैं जानता था कि जलपा जी की जरूरत सिर्फ इमोशनल है, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए था। अरे प्रवीण, तुम आज तो मंडे है, आज तो तुम्हारा वीकली ऑफ होता है ना? जी जलपा जी, आज मैं बच्चे को पढ़ाने नहीं आपसे मिलने आया था, कुछ काम था आपसे। आओ अंदर आओ। जलपा जी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों लाया आपके लिए रोज? मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप बस इसे एक्सेप्ट कर लो, दैट्स ऑल। उस दिन से हमारे नए रिलेशन की शुरुआत हुई। दो महीने हो गए थे हमारे रिश्ते को, अपने मन की हर एक बात शेयर करने लगी थी वो मुझसे। पहले तो बच्चों को पढ़ाने जाता था तभी बात होती थी उससे, फिर हम दोनों ने फोन पर भी बात शुरू कर दी। मेरा सिम कार्ड पापा के नाम पर था, तो मुझे डर लगता था कि पापा को पता ना चल जाए, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर एक सिम इशू करवा कर दिया ताकि हम बेझिझक होकर बातें कर सकें। और कुछ दिन बाद उनका बर्थडे भी था, वो और राजीव भाई दोनों डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे, वो रेडी होकर उनका वेट कर रही थी, लेकिन हाँ राजीव, मैं रेडी हूँ। क्या तुम नहीं आ रहे हो? पर राजीव, आज हमारा बर्थडे छे। लेकिन राजीव भाई ने वही किया जो हमेशा करते थे, प्रोग्राम कैंसिल। वो दो दिन के लिए सूरत निकल गए थे। जलपा जी बहुत रोई थी उस दिन। प्रवीण, तुम इस वक्त यहाँ? Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है। नहीं जलपा जी, गिफ्ट तो आपने मुझे दी। जलपा जी नहीं, सिर्फ जलपा। अब कोई गैप नहीं था हमारे बीच, हम दोनों की जरूरतें पूरी हो रही थी एक दूसरे से। बहुत खुश थे हम, साथ घूमने भी लगे थे। ये जो गुलछर्रे तुम दोनों उड़ा रहे थे, इसका पता अंशी को कैसे चला? अंशी? अंशी मेरी गर्लफ्रेंड है सर, गांधीनगर में रहती है। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। पढ़ाई फिनिश होने के बाद हम दोनों शादी करना चाहते थे। महीने में एक दो बार मिलने भी जाता था सर मैं उससे, पर दो महीने पहले जब वो यहाँ शिफ्ट हुई थी उसे मुझ पर डाउट हो गया था सर। मेरी बात समझो, कैसे बात करूँगा मैं, क्लास में हूँ। अरे करता हूँ ना फ़ोन आपको, आई लव यू टू, बाय बाय, बाद में फ़ोन करता हूँ, बाय बाय। किससे बात कर रहे थे? वो तो फ्रेंड था एक। क्या हुआ तुम्हें? और ये आजकल तुमने दो दो फोन रखना क्यों शुरू कर दिया? ऐसी उस दिन से अंशी को मुझ पर शक होने लगा था। फिर एक दिन, अच्छा जो पापा घर पे नहीं थे है ना, मैंने उसे ये कहकर बहला लिया कि जलपा जी ने मुझे सिंपथी के लिए फंसाया था। वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, उसने मुझे अल्टीमेटम दिया कि मैं ना जलपा जी से सारे रिश्ते तोड़ दूं। और सर उसने जलपा जी को हम दोनों के बारे में भी बता दिया सर। तुम्हें मुझे आंशी के बारे में बताना चाहिए था ना, क्या क्या नहीं कहा उसने मुझे। तुम प्यार करते हो उसे? जलपा जी मत बताओ मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो करो, जिसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो रखो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी के बीच नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर तुम आंशी से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता वैसे ही चलेगा जैसे आज तक चलता आया है। मैंने बात करनी बंद कर दी, फोन उठाना बंद कर दिया, बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर दिया था सर। मुझे लगा कि वो समझ आएगी कि मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन एक रात उनका फोन आया और मैंने रिसीव कर लिया सर। मुझसे एक बार मिलने के लिए आ जाओ प्लीज, सिर्फ एक बार। इग्नोर कर रहे हो मुझे, मुझसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? उस आंशी के लिए? मुझसे ज्यादा सुंदर है वो, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है, क्या है उसमें ऐसा? बात आंशी की नहीं है, आंशी मुझसे जितना प्यार करती है उससे ज्यादा प्यार उसे मैं करता हूँ। और थक चुका हूँ मैं आपसे, आपके इस रिश्ते से। अभी तो सिर्फ आंशी को पता चला है, अगर बाकी लोगों को पता चला तो? तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते। वरना क्या? वरना मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारे पापा को। नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, मैं मार दूंगा। भाड़ में गई तू और तेरा प्यार, बहुत प्यार का भूत चढ़ा ना तेरे सर पर। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, तेरे साथ सिर्फ सोना चाहता था मैं। सर
मैं नहीं मारना चाहता था उनको, नहीं मारना चाहता था सर उनको। अगर राजीव ने अपनी पत्नी जलपा को उसकी जरूरतों को समझा होता तो जलपा को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रवीण का दामन नहीं थामना पड़ता। और अगर जलपा ने इस तरह से निराश होकर अपनी मर्यादा तोड़ने की बजाय राजीव को समझाने की और कोशिश की होती तो शायद राजीव समझ जाता और उनके बीच के रिश्ते सुधर जाते। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी, इन्हें पाने की चाहत रखना और इन्हें पाने की कोशिश करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, अपने परिवार और अपनों से मिलने वाले खुशनुमा पलों को खोकर इन्हें पाने का कोई अर्थ नहीं है। जो नहीं है उसे पाने के लिए जो हमारे पास है उसे खो देना ना तो समझदारी है और ना ही सही है। इसलिए प्यार और वक्त दीजिए अपने परिवार को, अपने आप को और इस जीवन को। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. देखते हैं इनके प्यार में कितनी पावर है। पावर कपल को पावर बाय प्रिया गोल्ड स्नैकर 12 दिसंबर से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर।